हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि जो भी स्टूडेंट्स बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी इन सभी पेपरों की तैयारी करते हैं, तो मेडिकल में बहुत से बच्चों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो वो सारे डाउट्स इस वीडियो में मैं आपके क्लियर कर दूंगा। क्योंकि आदमी फॉर्म भरता है, एक साल तैयारी करता है, रिटर्न देता है, सारी चीज देता है, और उसके बाद जब उसको मेडिकल में किसी भी वजह से निकाला जाता है तो उसको बाद में बहुत ही ज्यादा दुख होता है, और ये मैंने अपने पर्सनल खुद से एक्सपीरियंस किया ये चीज। तो आप लोगों को इस वीडियो में मैं मेडिकल की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप ये वीडियो पूरा अच्छे से देखेंगे तो उसके बाद आप लोगों को मेडिकल में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो दोस्तों, जो मेडिकल टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट अलग होता है और फिजिकल टेस्ट अलग होता है। फिजिकल टेस्ट जो होता है उसमें आपकी रनिंग, चेस्ट, लॉन्ग जंप ये सब आते हैं, और मेडिकल टेस्ट को आपको समझना बहुत जरूरी है। मेडिकल टेस्ट जो होता है वो सबसे लास्ट में होता है, वो आपकी बॉडी का होता है कि आप पूरी तरीके से फिट हैं कि नहीं है फिजिकली। तो मेडिकल में क्या होता है ये आप लोग को मैं अब चलिए डिटेल वाइज पूरा ए टू जेड सारे बॉडी पार्ट्स के बारे में बताऊंगा कि किस ग्राउंड पे आपको रिजेक्ट करेंगे वो लोग, और किस ग्राउंड मतलब। और भी आपको कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, लेकिन मैं आपको ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो दोस्तों, बात करते हैं आंखों की। तो दोस्तों, आंखों में आपके 6x6 और 6x9 यही विजन लिया जाता है। अगर आपका किसी भी आंख में इससे ज्यादा का विजन है तो आप लोगों को मेडिकल में वो लोग रिजेक्ट कर देंगे या तो री मेडिकल दे देंगे। और मैं आप लोग को बता दूं कि जिन भी बच्चों को री मेडिकल दिया जाता है उसमें से बहुत कम ही ऐसे बच्चे होते हैं जो री मेडिकल पास कर पाते हैं। वो लोग री मेडिकल देते इसलिए हैं कि मतलब उनको एकदम प्रॉपर बच्चे चाहिए, जिनमें हल्की सी भी दिक्कत हो तो वो उनको हटा देते हैं। अब आंखों के बाद में बात कर लेता हूँ। अगर आपका कोई भी बॉडी पार्ट जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, हाथ की उंगली हो गई, या किसी भी टाइप का कोई भी बॉडी पार्ट डैमेज है या टेढ़ा है तो भी आपको बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा। अगर आपकी उंगली टेढ़ी है या आपकी कोई उंगली टूटी हुई है जिसका आपने इलाज वगैरह कराया, या हाथ टूटा है या हाथ हल्का सा भी टेढ़ा है, या पैर या घुटने, तो आपको मेडिकल में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद मैं बात करने वाला हूँ नॉकनी के लोगों की। जिनके पैर भागते समय फंसते हैं उनको नॉकनी बोलते हैं, तो नॉकनी भी चेक किया जाता है, उन बच्चों को भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और आपका बीपी वगैरह वहाँ पे सारी चीजों की जांच होती है, यूरिन की जांच होती है, अगर आपको कोई इंटरनल ऑर्गन में भी कोई दिक्कत है तो उन सब चीजों की जाँच मशीन से कराई जाती है। आपका ब्लड टेस्ट वगैरह सारी चीजें होंगी और एकदम प्रॉपर तरीके से चेस्ट का एक्सरे वगैरह भी होगा, दांत चेक किए जाएंगे, अगर आपके दांत नहीं है या दांत में कोई भी दिक्कत है तो एकदम अच्छे से वो सारी चीजें चेक करते हैं, और उन सब ग्राउंड पे भी आप लोगों को वो रिजेक्ट करेंगे। अब बात कर लेता हूँ मैं कान के बारे में। तो कान पहले वो लोग टॉर्च से चेक करते हैं कि आपका कान साफ है कि नहीं। अगर आपका कान गंदा है तो आप लोगों को कान वगैरह एकदम साफ करके अच्छे से जाना पड़ेगा। अगर आपके कान में भी वो लोग गंदगी पा जाएंगे तो भी आपको वो री मेडिकल दे देंगे कि आप अपना कान अच्छे से साफ करा के आइए। तो इसीलिए अगर आप लोग जब भी मेडिकल के लिए जाएंगे तो आप लोग को अपना कान अच्छे से साफ करके जाना है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं किसी भी, बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं वो टैटू वगैरह बनवाए रहते हैं। तो अगर आप भी टैटू बनवाए हैं तो टैटू का एक साइज होता है, लगभग 5 इंच से बड़ा टैटू वो लोग अलाउ नहीं करते। अगर आपका कोई मतलब जो परमानेंट टैटू होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वैसे नॉर्मल टैटू भी नहीं, तो जो परमानेंट टैटू होता है अगर वो 5 इंच से बड़ा है तो भी आपको वो लोग रिजेक्ट कर देंगे। अगर आप लोग पहले से ही उस टैटू को हटवा सकते हैं तो आप लोग हटवा लीजिएगा। और दोस्तों, आप लोग को मैं बताऊंगा बॉडी वेट जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बॉडी वेट में अगर आप 1 किलो 2 किलो भी ज्यादा है तो भी आपको वो लोग री मेडिकल दे देंगे। उसमें आपको 3-4 दिन 5 दिन का टाइम मिलेगा। अगर आप उन 3-4 दिन में अपना वेट कम कर लिए तब तो ठीक है, नहीं तो बॉडी वेट में अगर 2-4-5 किलो का भी डिफरेंस हुआ तो भी आप लोगों को वो लोग रिजेक्ट कर देंगे। तो आप लोग को फिटनेस भी एकदम बना के चलनी है। अब बात कर लेते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बताते हैं कि भैया हमारा इस चीज का ऑपरेशन हुआ है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, बहुत सारी बीमारियों के बारे में बताते हैं।
तो भाई लोग, अगर आपकी बीमारी कोई ऐसी है कि उन्होंने रिपोर्ट वगैरह कराई और उसमें आ गई, तो जाहिर सी बात है तो आपको रिजेक्शन का मुंह देखना ही पड़ेगा। बहुत से भाई लोग मुझको कमेंट करके बता रहे थे कि आपने लैसिक ऑपरेशन क्यों नहीं कराया। तो दोस्तों उसका जवाब ये है कि जब मैं मेडिकल में गया था तो ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं वो लोग। जब मुझको चार्ट उन्होंने पढ़वाया था, मैं चार्ट नहीं पढ़ पाया था, नीचे की एकदम लास्ट लाइन एक आँख ऐसे बंद करा के वो लोग ऐसे करके पढ़वाते हैं और नीचे मुझको देखने में दिक्कत हो रही थी तो मैं नहीं पढ़ पाया था। तो उसके बाद री मेडिकल उन्होंने सिर्फ 2 दिन बाद कर दिया था, कुछ लोगों को तो 1 ही दिन बाद का मिला था। तो इतना टाइम ही नहीं मिला था कि कोई भी टाइप का ऑपरेशन हो पाए। ये बात मैं आप लोग को बहुत बार बताने की कोशिश किया लेकिन कम से कम 300-400 कमेंट आ गए थे, तो मैं सबको बताना मतलब मुश्किल था। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी को जानकारी देना चाहता हूँ कि आप लोग को जो भी कराना हो, आप सब लोग पहले से ही एकदम फिट होकर रहिए। ये नहीं कि आप लोग सोचे कि मेडिकल होना है तो आप लोग 1 हफ्ते पहले पूरी तैयारी चालू कर दें। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं इस चीज में असक्षम हूँ या किसी भी टाइप का इनकेपेबल हूँ, मैं ये चीज नहीं कर पाऊंगा या इस ग्राउंड पे मुझको मेडिकल में हटा दिया जाएगा, तो आप लोग उस दिक्कत को पहले से ही सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि उस टाइम पे ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई सॉल्यूशन काम नहीं आता है। तो मेरे एक भाई का कमेंट ये भी था कि वेरिकोज वेन होती है जिसमें पैरों की नसें उभरी होती हैं, तो उस ग्राउंड पे रिजेक्ट करते हैं कि नहीं? तो मैं उस भाई को बताना चाहूंगा, बिल्कुल जिनको भी वेरिकोज वाली प्रॉब्लम है उनका भी चेकिंग होगी और उनको भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो सबसे मेन ग्राउंड होता है रिजेक्ट होने का वो वेट होता है, आईज होती है। आईज में बहुत सारे बच्चों का डाउट ये था कि कलर ब्लाइंडनेस देखते हैं, तो बिल्कुल कलर ब्लाइंडनेस बहुत अच्छे से चेक होती है। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आप 2 काम करिए, या तो फिर आप जो बुक होती है आई विजन वाली उसको अच्छे से पढ़ के एकदम रट के जाइए कि वहाँ जब आपसे बुक पढ़वाएं तो आप क्या कहते हैं अच्छे से पढ़ ले। हालांकि ये गलत है लेकिन बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं तो मैं उनको जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस में भी आपको रिजेक्शन मिलेगी। तो अब बात कर लेता हूँ प्राइवेट पार्ट्स के बारे में। तो दोस्तों प्राइवेट पार्ट्स भी बहुत अच्छे से चेक होते हैं, आपको चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, पूरे कपड़े उतार करके पूरा बॉडी वेट मतलब पूरे शरीर का वेट लिया जाता है, हाइट मापी जाती है, चेस्ट मापा जाता है, प्राइवेट पार्ट्स चेक किए जाते हैं और सारी चीज़ें प्रॉपर चेक होती हैं, उसके बाद ही आपको सेना में भर्ती किया जाएगा। तो अगर आप किसी भी तरीके से अनफिट हैं, आपको लगता है, तो या तो आप उसमें सुधार करिए या तो आपको रिजेक्शन का मुंह देखना पड़ेगा। आई होप दोस्तों इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करता हूं मैं और आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर आप लोग को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। इसमें दोस्तों एक चीज़ और मैं ऐड कर देता हूँ मेडिकल के बारे में बताते बताते, कि जो टाइपिंग होती है इंग्लिश की वो 35 वर्ड पर मिनट मांगी जाती है और बैक स्पेस उसमें अलाउ नहीं होता है, और एक जैसे फर्रा होता है कागज़ टाइप की शीट होती है उसी पे आपको टाइपिंग दी रहेगी और कीबोर्ड में उसको देख करके आपको टाइप करना रहेगा। बाकी एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को और देना चाहूँगा वीडियो ख़त्म करने से पहले, कि इसका जो फुल ब्लॉग पहले से भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। अगर आप लोग नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप उस वीडियो को भी जा करके देख लीजिएगा, क्योंकि उस टाइम पे जो भी सारी चीज़ें हुई थी वो उस टाइम पे मेरे दिमाग में थी, तो उसको मैंने बहुत ही अच्छे से बताने की कोशिश की थी आप लोगों को, और अभी भी मैंने बहुत अच्छे से अपने लेवल पे बताने की कोशिश की है। उसके बाद भी अगर आप लोगों का कोई डाउट हो तो आप लोग जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।